देवास जिले में हाटपिपलिया के पूर्व विधायक मनोज चौधरी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद पहली बार मंगलवार को भाजपा के जिला कार्यालय पहुंचे हैं और भाजपा पदाधिकारियों से भेंट भी की है। साथ ही श्री चौधरी के समर्थन में कांग्रेस के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने कार्यालय आकर पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। तत्पश्चात भाजपा जिलाध्यक्ष राजीव खंडेलवाल, सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी, विधायक गायत्री राजे पवार ने सभी का सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए भाजपा का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया है एवं बधाई भी दी है। ये किसी प्रकार का सम्मेलन नहीं था। आज चूंकि नवनियुक्त हमारे जिलाध्यक्ष राजीव खंडेलवाल जी के संदेश मुझे प्राप्त हुआ था कि हाटपिपलिया विधानसभा के लिए जो विस्तारक नियुक्त हुए हैं उनके द्वारा संबंधित जितने भी यहाँ पर पदाधिकारी हैं उनकी मीटिंग, साथ ही हमारे वरिष्ठ जो भी नेता है उनकी मीटिंग रखी गई थी और उसी संदर्भ में हमारा यहाँ पर आना हुआ। ये क्या जैसे सुबह इस बात का संदेश मिला, हो सकता है कि जैसे एक दिन पहले तक पता नहीं था, आज ही वो आए और आने के बाद मीटिंग ले ली, इसलिए उसको आदर न लें क्योंकि सबके अपने अपने प्रोग्राम निर्धारित थे पहले से और इस वजह से चूंकि कहीं ना कहीं पहले निर्धारित होने की वजह से वो शामिल नहीं हुए, लेकिन हमारी बात उनसे हो गई है और बिल्कुल रहेंगे सभी। और वो तो आप सभी पत्रकारों के सामने उनकी बात भी हुई है, उन्होंने पहले ही स्पष्ट कर दिया भाई हमारी पार्टी से जिनको भी टिकट दिया जाएगा उनको हम एक एक कार्यकर्ता उनको जिताने के लिए प्रतिसंकल्पित है। मनोज चौधरी जी आज भारतीय जनता पार्टी में के कार्यालय पर औपचारिक रूप से आए थे। एक औपचारिक मीटिंग रखी गई थी जिसमें देवास विधानसभा और हाटपिपलिया विधानसभा के अनेक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने पर उन सभी कार्यकर्ताओं का स्वागत किया गया है और उन्हें विधिवत रूप से भारतीय जनता पार्टी की मेंबरशिप दिलाई गई है। देवास से राजेश पवार की रिपोर्ट।